दिस इज फोटोनिक एकेडमी ऑफ साइंस। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम वन शॉट वीडियो के रूप में करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस एंड ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। ओके, चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें करंट की, कि एक्चुअल में करंट होता क्या है, ये आप जानते होंगे। शुरू से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो करंट क्या है, तो आप जानते हैं जैसे कि कोई कंडक्टर वायर है, ये कोई कंडक्टर वायर है। इस कंडक्टर वायर में हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के प्लस और माइनस से जब हम इसको की के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण जो क्रिएट होता है उसी को हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो क्रिएट होता है कनेक्टर वायर में, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, तो करंट क्या होता है, आई इक्वल्स टू, आपने दसवीं में पढ़ा होगा, क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू क्या है, क्यू एक प्रकार से चार्ज है, अपॉन को हम बोलते हैं पर यूनिट और टी है टाइम। टाइम के रिसेट में जब हम किसी कनेक्टर में चार्ज को फ्लो करते हैं, टाइम के रिसेट में जब हम किसी कनेक्टर में चार्ज को फ्लो करते हैं, तो इसे ही हम करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ये आपका करंट होता है। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब हम देखते हैं करंट की एसनेट और डीएफ। तो करंट की एसनेट जो है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी, एसआई यूनिट जो होगी वो होगी आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज का तो आपको पता ही है, पढ़ा दिया था आपको कूलाम, और टाइम का भी आप जानते हैं, टाइम का सेकंड होता है, तो कूलाम सेकंड इनवर्स को हम कहते हैं एम्पियर, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम है। ओके, जैसे चार्ज की स्टडी कूलाम ने की थी, वैसे करंट की स्टडी एम्पियर ने की थी, ये आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसे शो कैपिटल आई से करते हैं। रही बात एसनेट की, तो आपके सामने लिखा है। अब अगली बात रही इसके डीएफ की, डायमेंशनल फॉर्मूले की, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, आई इक्वल्स टू होगा क्यू अपॉन टी। चार्ज का होता है, आपने पढ़ लिए है चैप्टर वन में, et, और टाइम का होता है t, टाइम से t कैंसिल होगा, या आपका बचेगा a। तो इसका जो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका, वो होगा मास से लेन देन नहीं m0, लेंथ से लेन देन नहीं l0, टाइम से लेन देन नहीं t0, इसका लेन देना है करंट का एम्पियर से, इसलिए a की पावर 1, m0 l0 t0 a। ओके, तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। रही बात इसके नेचर की, इसका नेचर क्या है, तो करंट को तो हम कहीं भी बहा सकते हैं। हमारे घर में फर्स्ट वॉल पे ट्यूबलाइट लगा रहता है, सेकंड वॉल पे कोई बल्ब लगा है, बल्ब का होल्डर लगा है, ऊपर सीलिंग पे फैन लगा है, किसी वॉल पे टेलीविजन है लगी, तो मतलब करंट किसी भी डायरेक्शन में बहता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आपके घर में एक ही वॉल है, बस उसी वॉल पे सब लगा दो, करंट एक ही तरफ बहेगा। करंट जहां चाहे वहां फ्लो हो सकता है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं। और जहां पे डायरेक्शन का कोई इशू ना हो, वहां पे सीधी सीधी बात है, वहां पे स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है, वहां पे स्केलर क्वांटिटी आपको बनना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं करंट के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ करंट एक्चुअल में होता क्या है, कितने टाइप का होता है करंट। तो करंट होता है आपका टू टाइप का, एक होता है आपका स्टेडी करंट, देखिएगा मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, स्टेडी जिसको मैं कहूंगा कांस्टेंट करंट, स्टेडी या कांस्टेंट करंट। और सेकंड वाला जो करंट होता है हमारा, वो होता है वेरिएबल करंट। और वेरिएबल करंट चेंज फॉर्म में होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलते हैं जिसको हम, और एक होता है हमारा डीसी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ओके, आपको ये बनना चाहिए। तो स्टेडी करंट नाम से क्लियर है, ऐसा करंट देखिए आई इक्वल्स, अभी पढ़ लिया आपने, आई इक्वल्स होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू वन जा क्यू, आई का टी में, तो आई टी मतलब चार्ज और टाइम के बीच में जो कर्व खींचा जाएगा वही आपका करंट रहेगा। चार्ज और टाइम के बीच में जो कर्व खींचा जाएगा वही आपका क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो देखिएगा चार्ज दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो हम डबल एक्सिस से काम चला लेंगे, ये आपका है चार्ज वर्सेस टाइम कर्व। अगर चार्ज आपका कॉन्स्टेंटली है, चाहे ऐसा बोल दीजिए, और अगर नेगेटिव बनाना चाहे तो नेगेटिव को नीचे भी बना सकते हैं। आपका चार्ज चाहे इधर कॉन्स्टेंट रहे, आपका पॉजिटिव चार्ज हो, तो आपका नेगेटिव चार्ज है, या चार्ज इधर कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। मतलब टाइम चेंज होते जा रहा, आप देख रहे होंगे टाइम जीरो से चेंज होता रहा, वन टू थ्री ऐसे टाइम चेंज होता रहा, पर चार्ज भी तो कॉन्स्टेंट है। जैसे आप जो रीडिंग होगी 10, 20, 30, 40 ऐसे कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी रीडिंग होगी ऊपर नीचे, वो तो कांस्टेंट है ना, ग्राफ ऊपर नीचे थोड़ा नहीं जा रहा है। तो ये आपका कांस्टेंट करंट का कर्व बन गया, चाहे पॉजिटिव वाला बोल दीजिए चाहे नेगेटिव वाला, क्योंकि चार्ज के कारण दिखेगा। पर चार्ज
हमें करंट को पॉजिटिव ही लेना होता है, हमें करंट को क्या लेना होता है, पॉजिटिव ही लेना होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ ऊपर का ग्राफ बना के हट जाना चाहिए। चलिए अब अगला करंट है आपका एसी और डीसी। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट एक्चुअल में होता क्या है? तो एसी करंट वो करंट होता है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी, ये चार्ज वर्सेस टाइम कर्व है आपके सामने, देखिए ये आपने 10वीं में पढ़े होंगे ये आपका, और अभी तो यूनिट 4 भी आपको अभी भी लेटेस्ट में पढ़ा है। तो आपका एसी है, ये क्या है अगला करंट आपका एसी, और ये जो बना रहा हूं मैं ये वाला करंट होगा आपका डीसी के, देखिए ये चाहे ऊपर ऊपर बोल दीजिए चाहे नीचे नीचे बोल दीजिए, ठीक है। चार्ज वर्सेस टाइम कर्व, ये भी आपका चार्ज वर्सेस क्या है टाइम कर्व, ये चीज को आप जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो सीधी सीधी बात है कि जब कोई करंट अपना मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा होगा, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, जब कोई करंट अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करे और डायरेक्शन भी चेंज करे, मैग्नीट्यूड भी चेंज करे और क्या करे डायरेक्शन चेंज, देखिए ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, मतलब ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहेंगे एसी अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसा करंट जो अपना केवल मैग्नीट्यूड चेंज करे, जैसे आपको दिख रहा होगा डीसी में, ये देखिए आगे बढ़ा फिर आगे बढ़ा फिर आगे बढ़ा फिर आगे बढ़ा, पर डायरेक्शन चेंज ना कर पाए, ऊपर है तो ऊपर ही ऊपर रहे या नीचे है तो नीचे नीचे रहे, ऐसे करंट को हम कहते हैं डीसी। तो एसी क्या होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, उस करंट को कहेंगे कि इफ करंट चेंजेस देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एसी। और डीसी करंट वो होता है जब करंट अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज करे पर डायरेक्शन चेंज ना करे, उसको हम कहेंगे डीसी। ओके आपको क्लियर होना चाहिए चीज। करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू की जगह आप जानते हो क्वांटिलाइजेशन से क्यू इक्वल्स टू एनी भी होता है, एनी, तो ये एनी अपॉन टी भी चलेगा यहाँ पे, ये चीज आप याद रखिएगा। जब पर्सनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात हो या नंबर ऑफ चार्जेस के बारे में बात हो टाइम की, तब आप एनी अपॉन टी लगाएंगे। ओके अब नोट में एक चीज और याद रख लीजिए, यहाँ पे नोट में याद रखने लायक चीजें, चार्ज का जो फ्लो होता है नंबर वन में याद रखिए नोट में, फ्लो ऑफ चार्ज जो रहता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज ये आपको चैप्टर वन में पढ़ा दिया गया था, फ्लो ऑफ चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और करंट, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया हूँ, ये आपका चार्ज की जगह करंट है, फ्लो ऑफ करंट जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपने सर्किट में देखे होंगे ना, ये देखिए जैसे कोई वायर है, इस वायर से अगर मैं कनेक्ट करूंगा बैटरी के टर्मिनल को, तो आपको पता है करंट का फ्लो हमेशा ये देखिए पॉजिटिव से निकला और वहां पे नेगेटिव में आया, तो ये थोड़ा बोलने में गड़बड़ी होगी, ये फ्लो ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और नंबर टू जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो देख लीजिए वो उल्टा होता है, फ्लो ऑफ चार्ज अब क्यों उल्टा होता है इसको थोड़ी देर में ड्रिफ्ट फिलोसोफिक्स में पढ़ेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो उल्टा होता है, चार्ज का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है, अभी आप ड्रिफ्ट फिलोसोफी में ये चीज सीखेंगे कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ डेफिनेशन उनकी एसएनएट और उनका डीएफ कंप्लीट करने वाले, आप जरा ध्यान से इसे देखिएगा। ओके अब हम कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे विद उनकी एसएनएट और डीएफ। ओके याद रखिए, पर इसमें नोट में एक चीज और आप याद रख लीजिए, करंट की अदर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट भी होती है इसमें, ये तो आप जानते होंगे ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट, देखिए इस यूनिट ऑफ करंट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर आप जानते होंगे, 10^-3 एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर भी आप जानते हैं, 10^-6 एम्पियर होता है, और नैनो का तो सवाल ही नहीं है, पे नैनो वैनो आता ही नहीं है, ठीक है, मिली बहुत हो तो माइक्रो खत्म। तो बड़े आगे अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप जरा ध्यान से देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेस्ड। ओके तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ड्रिफ्ट, मैं यहीं पे पूरे फॉर्मूला और मैंने सब यहीं पे खत्म कर दूंगा इसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे पढ़ रहे होंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेस्ड है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है कि कोई कंडक्टर वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन कायम में रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट में रहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें कितने भी हम तो एन मानेंगे, कितने भी हो सकते हैं 200, 300, 500 है ना, 1000, 2000, 20000 कुछ भी हो सकते हैं, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो उसके साइज पर डिपेंड करता है, छोटा साइज है तो छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे, वायर का साइज बड़ा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, पर हम बता नहीं सकते कितने हैं, हमें कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखिए ये कोई कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर को अभी हमने कनेक्ट किया किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से,
और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे लगी की। इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, पर की का स्विच को हमने ऑफ ही रखे। जैसे हम की का स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे दो काम एक साथ होने चलूंगे। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होना चालू जाएगा, तो देखिए करंट आपका जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चालू हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन आपके, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके नेगेटिव से देखिए पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल मूव होना चालू हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट जैसा फ्लो होगा करंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का की जो एवरेज वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट टू ई। ई मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नॉन एज क्या कहलाता है ये, नॉन एज, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। आप इसे ध्यान दीजिएगा, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इसको हम शो करते हैं वीडी से, ठीक है। रही बात इसकी एसएन यूनिट की, तो एसएन यूनिट देख लीजिए इसकी, इसकी जो एसएन यूनिट होगी वेलोसिटी की तो सबको पता है मीटर पर सेकंड होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा इसका आप जानते हैं, मीटर का एल, सेकंड का टी, तो एम जीरो एल वन टी वन ऊपर जाकर टी माइनस वन हो जाएगा। ये चीज को भी याद रखिएगा थोड़ा, ओके, ये चीज को आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपको एक बात और ये आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है, ये चीज जरा स्पेशली याद रखना, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक नंबर में आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है आपका वो आप याद रखिएगा 10^-5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होता है टू 10^6 मीटर पर सेकेंड तक, मतलब 10^-5 मीटर से 10^+6 मीटर पर सेकेंड तक होता है, और ये प्लस सिक्स के कारण 10^-5 मीटर पर सेकेंड छोटे मोटे अप्लायंस में होता है, और बाकी जो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंस उसमें 10^-6 आप देखते होंगे मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 10^6 मीटर, जैसे स्विच ऑन हुआ आप देखते होंगे तुरंत चालू हो जाता है ना अप्लायंस आपका, ये चीज आप याद रखिएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वीडियो, तो डेरिवेशन आपको निकाल के देंगे नहीं, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ई अपॉन एम टाउ। ये फॉर्मूला में आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप सब चीज को जानते हैं। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो 1.6 × 10^-19 कांस्टेंट होता है, एम भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सबको पता है 9.1 × 10^-31 kg होता है, देखिएगा न्यूमेरिकल फंसेगा तो। ई की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी और टाउ की वैल्यू उसको आपको देनी पड़ेगी, बाकी स्मॉल ई और स्मॉल एम आपके कांस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे, ओके। तो आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेक्शन पीरियड, ध्यान दीजिएगा। तो रिलेक्शन पीरियड एक्चुअल में होता क्या है, देखिए रिलेक्शन पीरियड क्या होता है समझिएगा। रिलेक्शन पीरियड को हम शो करते हैं टाउ से, कैपिटल टाउ से, टाउ से शो करते हैं। ये भी टाइम के इक्विवेलेंट चीज है क्योंकि पीरियड लिखा रहा है इसलिए टाइम के इक्विवेलेंट चीज है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा सभी। तो देखो भाई सभी लोग ध्यान से, किसी कंडक्टर वायर से कम पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन स्लो चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्लो चलते चलते इलेक्ट्रॉन स्लो स्लो मिनिमम पोटेंशियल पे, किस पे, मिनिमम पोटेंशियल पे, वी पे इलेक्ट्रॉन स्लो चलते। और अगर अचानक से पोटेंशियल फास्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन तेजी से आएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अच्छे तेजी से आएंगे, और तेजी से आते थे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनसे स्लो मोशन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले किसी कंडक्टर से स्लो मोशन में फ्लो होते हैं लो पोटेंशियल पे, और जैसे अगर पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मोशन करेंगे, और फास्ट मोशन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और आते से ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले स्लो मोशन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। सेम चार्ज में आप जानते हो रिपल्सन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो पीछे जाएंगे फिर जाके और तेजी से टकराएंगे, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल रहेगा उसी को हम कहेंगे रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये है आपका शॉर्टेस्ट टाइम व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स
कोलाइड टुगेदर। जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ आपस में टकराए तो इसी को हम कहते हैं रिलेशन पीरियड, आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। SN2 डायमिशनल फॉर्मूले का रिलेशन पीरियड आपका टाउ होता है, इसकी SN2 आप जानते होंगे टाइम की सेकंड, और डायमिशनल फॉर्मूला N0L0T1, खत्म। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आगे आते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है करेंट डेंसिटी। एक्चुअल में करंट डेंसिटी होता क्या है इसको देखते, तो करंट डेंसिटी क्या होता है देखिए भाई, ये कोई कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर का एरिया ए है, इसका एरिया क्या है ए है, और इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है इससे आई करंट, इसका एरिया ए है इससे आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके तो देखिएगा भाई सब लोग, करंट डेंसिटी जो होता है उसको हम जे से शो करते हैं, तो जे इक्वल्स टू होगा आपका आई अपॉन ए, आई मतलब फ्लो ऑफ करंट, अपॉन को बोलते हैं पर यूनिट, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा फ्लो ऑफ करंट करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। भैया याद रखिए सभी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है SN2 DF, तो SN2 जो इसकी होगी वो होगी J इक्वल्स टू I अपॉन A, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसके लिए कोई नाम नहीं दिया गया, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर कुछ नाम नहीं दिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने करंट के समय से कहते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, कूलम्ब अपॉन सेकंड को अपने नाम एम्पियर दिए थे, पर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर देगा, इसके लिए कोई नाम नहीं है। ठीक है, अगली बात रही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो आई अपॉन ए, बोलिए भाई, करंट का तो ए होता है, एरिया का होता है एल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा एम जीरो एल टू पर जाकर एल माइनस टू टी जीरो और ए वन, ये आपका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। सही, और इसका जो नेचर होगा, इसका नेचर जो होगा वेक्टर होगा, ये चीज आपको करनी चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोबिलिटी। ओके, तो मोबिलिटी को ध्यान दीजिएगा सभी, मोबिलिटी है ना, ध्यान दीजिए, तो मोबिलिटी एक अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो दो एसेनोट हो सकते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला तो खैर एक ही होगा, बाकी एसेनोट दो दो हो सकती है इसकी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मोबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है ये देखिए, मोबिलिटी को शो करते हैं म्यू से, तो म्यू इक्वल्स टू होता है आपका वीडी अपॉन ई, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपका वीडी अपॉन ई, VD है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अपॉन को बोलते हैं पर यूनिट, तो ये आपका हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड कॉल्ड मोबिलिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब रही बात इसके एसेनोट की, तो एसेनोट देख लीजिए भाई, इसका दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका ये है, म्यू इक्वल्स टू होता है आपका वीडी अपॉन ई, पूरा खेल ई का है, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू भी होता है, और ई इक्वल्स टू जो आपको पता होना चाहिए वी अपॉन डी भी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो क्या होगा देखिए, म्यू रहेगा देगा वेलोसिटी की जगह हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, और ई की जगह एफ अपॉन क्यू, तो एफ अपॉन क्यू में फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलाम, तो म्यू बराबर हो जाएगा देखिए मीटर अपॉन सेकंड रहेगा देगा, डिवाइड बनेगा इनटू कूलाम ऊपर जाएगा न्यूटन नीचे आएगा, तो आपका हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स कूलाम न्यूटन इनवर्स, ये शब्द याद रखना। अब इसकी दूसरी वाली असाइनमेंट जो होगी, जरा ध्यान दीजिएगा सभी, सेकंड जो असाइनमेंट होगी वो इसके ऊपर बेस्ड रहेगी, तो क्या होगा म्यू इक्वल्स टू देखिए, म्यू इक्वल्स होगा वी डी अपॉन ई, ई इक्वल्स होगा वी अपॉन डी। देखिए वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड होता है अपॉन इसका वोल्ट, पोटेंशियल का वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर, तो देखते क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड तो आपका रहेगा ही रहेगा, डिवाइड बनेगा इंटू मीटर ऊपर जाएगा वोल्ट नीचे आएगा, तो हो जाएगा मीटर 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 स्क्वायर सेकंड वोल्ट, तो हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ठीक है, हो गई दो दो ऐसे मिनट, और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आएगा, आपको जिससे निकालना निकालिए, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा, मैं फर्स्ट वाले से निकालते रहूँ। तो इसका जो डी एफ होगा ध्यान दीजिए, और इसका जो पहले नेचर देख लेते हैं, नेचर यहाँ पे जगह है या लिख देता हूँ मैं, नेचर जो होगा इसका वो वेक्टर होगा, और रही बात अब इसके, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये भी वेक्टर है,
ओके तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी। इसका जो डीएफ होगा, डीएफ क्या होगा इसका, इसका जो डीएफ होगा म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। वेलोसिटी का तो आप जानते हैं m0 l1 t माइनस 1 होता है, और e का देख लेते क्या होता है। तो e का जो होगा आपका वो होगा f अपॉन q। तो फोर्स का होता है देख लीजिए यहीं पे f m1 l1 t माइनस 2, और चार्ज का होता है et। तो स्टेप से पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा m1 l1 t माइनस 2, ऊपर है e1, ऊपर जाके माइनस 1 t माइनस 3 और a माइनस 1। तो हो जाएगा आपका m1 l1 t माइनस 3 और a माइनस 1। ध्यान दीजिएगा l1 से l1 कट जाएगा, आपका आ जाएगा देखिए m1 ऊपर जाके m-1, l तो बचा ही नहीं है, t-1 ऊपर है, -3 ऊपर जाके +3, 3 में से बन जाएगा 2 और a-1। ये आप याद रखिएगा, ओके आपको ये चीज बनना चाहिए ही, यानी बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मोबिलिटी खत्म होता है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन आपको कुछ टॉपिक करवाने के बाद कराता हूँ, क्योंकि पूरी डेफिनेशन एक साथ होगी तो आपका थोड़ा सा माइंड चकरा सकता है। देखिए अब अगला मैं आपको एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट होता है। क्या होता है ये, होता है फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट का होता है, याद रखिएगा इसे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट जो होता है वो होता है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। क्या होता है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन है, और वी डी जो है आपकी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बनना चाहिए। ओके इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, जरा देखते हुए चलिएगा। ये हो गया आपका अगला टॉपिक आपका जो आता है वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो आप जानते ही है, ओम्स लॉ पे जानते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है ना। व्हेन वी फ्लो करंट इन एनी कंडक्टर देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा, जाना है आपका v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर आई। तो हियर आर इज अ कॉन्स्टेंट डिस्कॉल रेजिस्टेंस, हियर आर इक्वल्स टू क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका जो ग्राफ है जरा देखिएगा ध्यान से, ये V रहेगा, ये I रहेगा, उसके बीच का जो रहेगा ये आपका R रहेगा। ओके ये आपको बनना चाहिए। अब रही काय की बात, अब रही बात इसके रेजिस्टेंस को समझाने की, तो रेजिस्टेंस को हम समझाते हैं आपको, देखिएगा जरा ध्यान से इसको। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले जो जो है देखते हुए चलिएगा भाई। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को तो आप समझते हैं, एक बात आप याद रखिएगा कि V और I के बीच में जो कर्व है ये R का भी हो सकता है और ये कर्व आपका T का भी हो सकता है, क्योंकि अगर पूछा जा चुका है कि V और I के बीच में जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ओम्स लॉ में वो किसको सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को मिस कर दिया था उसने, गायब कर दिया था, और वहाँ पे एक वर्ड दिया था टेम्परेचर। तो आपको पता है ना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसलिए टेम्परेचर को भी शो किया जा सकता है। जो स्ट्रेट लाइन है आपकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। ओके और कुछ कुछ क्वेश्चन में तो पूछता भी आपसे, जैसे ऐसे दे देगा वी आई और ऐसे दे देगा आपको, यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर टी वन दे देगा, यहाँ पे टेम्परेचर टी टू दे देगा, बोलेगा पहचानो इसमें से किसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो जिसके लिए देखिए आपको खुद पूरा गणित आपके सामने ही है, V बराबर आर आई, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। जिसका पोटेंशियल बढ़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो पोटेंशियल बढ़ा देखिए यहाँ से चलो था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होता है। टी वन के लिए वैल्यू बड़ी आ रही है और टी टू के लिए वैल्यू छोटी आ रही है, तो टी वन ग्रेटर देन कितना टी टू। स्ट्रेट वाले चीज में ये चीज याद रखना, जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ रहता है उसमें y एक्सिस जिसके लिए बड़ा होता है वो चीज ऊपर आ जाता है। जैसे t1 के लिए y एक्सिस की वैल्यू v में बड़ी है और t2 के लिए y एक्सिस की वैल्यू छोटी है, ठीक है इसको इस ढंग से देखना होता है। चलिए आगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी बात हुई हमारी, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से भी निकल सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो v बराबर आ रहा है, तो r इक्वल्स टू इज अ r इज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि अगर कोई रजिस्टर, इफ अ रजिस्टर अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, If a resistor opposes flow of current, their tendency of opposing current is called resistance. Then their tendency of opposing current is called resistance. समझ गए? यदि कोई resistor current का oppose करता है, तो उसकी current की oppose करने की tendency को हम resistance कहते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं इसके essential dimensional formula की। तो resistance का देखिए, पहला formula resistance का R equals to होता है V upon I, ये Ohm's law से होता है। किससे होता है? Ohm's law से। R equals to V upon I. और दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसका R इक्वल्स टू, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से जब ओम्स लॉ लाए थे तब का है, R इक्वल्स टू एम एल के अपॉन में होता है आपका एनी स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ से ग्राफ आपके बहुत बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है यहाँ से ग्राफ आपके बहुत बन सकते हैं। R और L के बीच में ग्राफ बोलेगा तो R दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, R L स्ट्रेट।
आर और ए के पीछे बोलेगा तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, ग्राफ ऐसा आएगा आर और ये ए, ऐसा आएगा ग्राफ आपका। आर और टाउ के पीछे बोलेगा तब भी ग्राफ ऐसे बनेगा, ये चीज आप याद रखिएगा ठीक है। रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, ओम्स लॉ से आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई ओम्स लॉ से होता है, और आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर एट टाउ, ये आपका जो होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है। किस होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये चीज को आप याद रखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है ठीक है। देखते हैं इसे, अब आगे बढ़ते हैं इसकी एस एन ओ टू डीएफपी। तो एस एन ओ पे ध्यान दीजिए, तो एस एन ओ क्या होगी इसकी, इसकी होगी आर इक्वल टू वी अपॉन आई। पोटेंशियल का सबको पता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, करंट का होता है एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर के लिए नाम लिया गया, साइंटिस्ट का नाम है ओम ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसकी स्मॉल यूनिट भी होती है, आप जानती हो स्मॉल यूनिट बताने की जरूरत ही नहीं होनी आपको, मिली ओम माइक्रो ओम बस ये दो ही देखी जाती है। तो मिली मतलब 10 की पावर -6 ओम -3, और माइक्रो मतलब 10 की पावर कितना -6 ओम में आपको बनना चाहिए। रही बात इसके डीएफ के डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो वो भी देखेंगे हम। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है देखिएगा भाई सब, आर इक्वल्स होता है वी अपॉन आई, और वी इक्वल्स आपने पढ़े वी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू पोटेंशियल, तो आर इक्वल्स वी की जगह डब्ल्यू अपॉन क्यू आई हो जाएगा। तो वर्क का आप जानते हैं एम वन एल टू टी माइनस टू होता है, चार्ज का आप जानते हो ए टी होता है, और करेंट का ए होता है, तो हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस थ्री, और ए वन ए वन ए टू ऊपर जाके ए माइनस टू। कोई डाउट है भाई किसी को, देखिएगा इसको ध्यान से है ना, देखिए इसे। अब हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगर आप यूनिट टू के फुल डेरिवेशन सॉल्व लेक्चर की स्टडी करना चाहते हो तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो ओके। चलिए ये आपको जो वीडियो बनाया गया इसका एम से पे के चीजें कि आपका क्विक रिविजन जल्दी से जल्दी और आपके नजर में पूरे फॉर्मूले आए और कॉन्सेप्ट आए तभी आप कर सकते हैं। तो जो देखो इसके बारे में एक चीज और पूछा गया कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन बताइए, तो ओम्स लॉ केवल जो है वो इलेक्ट्रिज्म का सपोर्ट रहे, किसका सपोर्ट रहे, ओम्स लॉ केवल इलेक्ट्रिज्म का सपोर्ट रहे, ये चीज याद रखना। और ओम्स लॉ केवल ओमिक रेजिस्टेंस के लिए वर्क करता है, नॉट फॉर सेमीकंडक्टर एंड नॉन ओमिक ओके, देखिएगा सर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। एक्चुअल में रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं देखिएगा। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आपने 10 से पढ़ते आ रहे हो बेटा आप लोग, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और नंबर टू पे आप पढ़ते आ रहे हो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ही होगा, आर डायरेक्टली हटेगा क्या लग जाएगा, रो लग जाएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, तो यहाँ पे हियर जो रो है वही आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके एसे नोट की, तो एसे नोट पे देखिए, तो एसे नोट में हम क्या कर रहे हैं, रो को रोक ले रहे हैं, ए को आर के पास भेज रहे हैं अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस का आप जानते हैं ओम होता है, एरिया का आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का आप जानते हैं मीटर होता है, मीटर से मीटर उड़ाइए, ये आ जाएगा आपका ओम इंटू मीटर। रही बात इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका रेडी है, रो इक्वल्स टू क्या होता है आपका ए आर अपॉन एल, एरिया का तो आप जानते हैं एल स्क्वायर होता है, लेंथ का एल होता है, और रेजिस्टेंस का भी आपको निकाल के दिया हूं मैंने जस्ट एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, टी माइनस थ्री और ए माइनस टू ठीक है, एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, देख लीजिए एम वन एल टू टी माइनस थ्री माइनस टू। देखिए बच्चे क्या होगा, इसमें एल से एल कटेगा, ये आपका आ जाएगा एम वन एल की पावर टू और वन थ्री, टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस टू ओके, ये देखिएगा आप लोग इसे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको भी ध्यान दीजिएगा सभी, ये देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो इस फॉर्मूले के बेस पे कि वायर के लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा, नंबर और डेंसिटी कम करेंगे तो क्या होगा, एरिया कम करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन रेट कम करेंगे तो क्या होगा, ये आपको आएगा, आपको ये सब करवा दिया गया क्लास में ओके, आप इसे देखिएगा ध्यान से। चलिए ये तो हो गया आपका रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले की बात करें तो रेजिस्टिविटी का जो पहला फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू होता है ए आर अपॉन एल, जिससे आप लोग परिचित हो, ये और दूसरा फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू एम के अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, ये जानना चाहिए आपको कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ से आया, हमने एल को अलग कर दिया, हमने ए को अलग कर दिया, आर बराबर एल अपॉन ए को अगर मैं अलग कर दूंगा एल अपॉन ए, तो एम के अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ बचा है, देख लीजिए अगर मैं एल अपॉन ए को अलग कर दू, एल और ए को अलग कर दू अगर मैं, तो जो आर के सामने जो रो है
आर के सामने जो रो है वही आपका ये बचेगा एम के अपॉन में एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो रजिस्टिविटी वर्सेस रिलेक्शन रेट का जो कर्व है याद रखिएगा, ये आ चुका है एग्जाम में, ये कर्व आपका ऐसे जाएगा। ओके, देखिएगा इसे आप लोग सभी, हमारे दो लगातार टॉपिक में आपको करा रहा हूँ, एक टॉपिक है कंडक्टेंस और एक टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी, एक टॉपिक कंडक्टेंस और एक टॉपिक आपका कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टेंस में लास्ट वर्ड टेंस है, कंडक्टेंस को हम शो करते हैं जी से, और कंडक्टिविटी में लास्ट वर्ड बिटी है जिसको हम शो करेंगे रो से, ध्यान दीजिएगा रो से नहीं सॉरी सिग्मा से करेंगे। कई कई जगह 11th क्लास में आपने रो से की हो कंडक्टिविटी को, याद होगा आपको तो थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए, तो कंडक्टेंस जी इक्वल्स टू होता है 1/रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस मतलब 1/रेजिस्टेंस, तो ये आपका सीधा सीधा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है उसी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। रही बात इसकी एसोनेंट की, तो एसोनेंट देख लीजिए भाई सब, जी बराबर होगा 1/r रेजिस्टेंस का, जो भी आए फॉर्मूला उसको उल्टा कर दीजिए, एम वन एल टू पी माइनस थ्री और ए माइनस टू था, देख लीजिए एम वन एल टू पी माइनस थ्री माइनस टू भी आपको याद होना चाहिए, उल्टा दीजिए से फिर निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एम वन ऊपर जाके एम माइनस वन, एल टू ऊपर जाके एल माइनस टू, टी माइनस थ्री ऊपर जाके टी थ्री और ए माइनस टू ऊपर जाके ए टू, वही हल कंडक्टिविटी का है। कंडक्टिविटी को शो करते हैं सिग्मा से, विटी विटी कंडक्टिविटी मतलब 1/ रेजिस्टिविटी, इसका वही होगा रेसिप्रोकल, प्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी आपको करना चाहिए। और ये बात इसके एसोनेट की, तो एसोनेट पे ध्यान दीजिए 1/ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का आपने देख लिए, सॉरी ये आपका डीएफ है, और रही बात एसोनेट की, तो एसोनेट ये होगी देखिए 1/r, तो 1/r का होगा 1/ohm, और 1/ohm को बोलते हैं ohm inverse, और ohm inverse का एक नाम है महू भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं महू। ठीक है, तो इसका क्या होगा देखिए, रेजिस्टिविटी का अपन अब भी देखिए ohm into मीटर होता है, तो ohm ऊपर जाके ohm inverse, मीटर ऊपर जाके मीटर inverse, और ये बात इसका डायमेंशनल फॉर्म में की, तो डायमेंशनल फॉर्म में रेजिस्टिविटी का मैंने अब भी आपको निकाल के दिया, देखिए एम वन एल थ्री वाला होगा एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री और ए, देखिए एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, ठीक है एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, पलट दीजिए इसको ऊपर, एम वन ऊपर जाके एम माइनस वन, एल थ्री ऊपर जाके एल माइनस थ्री, टी माइनस थ्री ऊपर जाके टी थ्री और ए माइनस टू ऊपर जाके ए टू, ये आपका ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक है आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है देख लीजिए, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे से छोटा फॉर्म, तो ओम्स लॉ का जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई, सब चीज आपके परिचित में है, जे होता है करंट डेंसिटी, सिग्मा भी आपने पढ़े, कंडक्टिविटी और ई भी आपने भी पढ़े, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन आता है, इसे ध्यान दीजिएगा सभी, करंट डेंसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कर्व आया वो ऐसा आता है, जे और ये होगा आपका ई और इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी कंडक्टिविटी को शो करता है। ओके, नोट में यहाँ पे याद रखने लायक एक चीज याद रखिए कि सबसे बड़ी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर की होती है, किसकी होती है इंसुलेटर की, फिर एलॉय की होती है और फिर होती है प्योर मेटल की। आपको एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि कॉपर का एक वायर कॉपर का है और एक वायर कॉपर का है और एक वायर निक्रोम का है, इनकी लेंथ सेम है, इनका रेजिस्टेंस भी सेम है, तो कौन सा वायर ज्यादा मोटा होगा, तो आपको पता है रो बराबर क्या होता है, रो इक्वल टू ए आर अपॉन एल होता है, जब रेजिस्टेंस और लेंथ सेम है तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, एरिया उसी का बड़ा होगा, मोटा वायर वही होगा जिसकी रेजिस्टिविटी बड़ी है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है बड़ी है, तो रेजिस्टिविटी बड़ी किसकी होती है, एलॉय की होती है, एलॉय मतलब निक्रोम, कॉपर तो प्योर मेटल में आएगा, याद रखना रेजिस्टिविटी हमेशा एलॉय की बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल, और अगर इंसुलेटर दे दे वुड या कुछ चीज तो फिर वो आएगा। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा सभी, आगे बढ़ा जाए, अब इसमें हमें एक चीज और देखनी होगी, एक छोटी सी इवेंट है सुपर कंडक्टिविटी,
सुपर कंडक्टिविटी था नीचे। तो सुपर कंडक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या, जरा ध्यान से लिखना, सुपर कंडक्टिविटी घटना है। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक इवेंट है। केमरलिंग ओन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी किया था। उसने ये पाया था, केमरलिंग ओन्स ने, जब उसने रेस्टिविटी और जिस टेम्परेचर कर्व खींचा, तो उसने ये पाया कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पे जब मेटल अपनी रेस्टिविटी को लॉस करते, मेटल अपनी रेस्टिविटी क्या करते, लॉस करते, तो उसी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, हर मेटल एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, हर मेटल एक डेफिनेट टेम्परेचर पे अपनी रेस्टिविटी का लॉस करते, आपको नीचे आप लिख लोगे, तो उसी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ये आपको बनना चाहिए, है ना, एट डेफिनेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर व्हेन एवरी मेटल लॉसेस देयर रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ये आपको बनना चाहिए। ओके, इसके बारे में केमरलिंग ओन्स ने इसकी स्टडी किया था। किसने किया था, केमरलिंग ओन्स, डच साइंटिस्ट है, ओन्स इसने स्टडी किया था कि डेफिनेट टेम्परेचर पे एवरी मेटल लॉसेस देयर रेजिस्टिविटी। इसी इवेंट्स को, इसी घटना को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। आपको बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम कुछ ग्राफ देख रहे हैं। ये ग्राफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका रेजिस्टिविटी, वर्सेस टेम्परेचर कर हम इसको देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ये ग्राफ आपका मेटल्स के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, फॉर मेटल। मेटल के लिए देखते हैं क्या होता है ग्राफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर। दूसरा जो ग्राफ बनाते हैं हम, वो बनाते हैं एलॉय के लिए, फॉर एलॉय। एलॉय के लिए भी देखते हैं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर करो। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं इसको इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर के लिए कर्व क्या होगा ये भी देखेंगे। और फोर्थ नंबर पे हम इसको देखना चाहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते होंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चैप्टर 1 में पढ़ा दिया था, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों चार्ज हो पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि NaCl, Na plus Cl minus, CuSO4, Cu plus SO4 minus, ZnSO4, Zn plus SO4 minus, ये सब है ना। इन सब के लिए आइए ग्राफ सीखते हैं कैसा बनेगा रेस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो रेस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, कंडक्टर या मेटल्स के लिए। तो कंडक्टर या मेटल के लिए कर्व जो रहेगा वो आपका स्ट्रेट तो रहेगा, आपका थोड़ा सा कर्व फॉर्म में रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्म में नहीं रहेगा, कर्व फॉर्म में रहेगा, इंक्रीजिंग फॉर्म और कर्व फॉर्म। एलॉय के लिए आपको पता होना चाहिए, एलॉय के लिए रेस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व, पहले टेम्परेचर जीरो ही रहता है, टेम्परेचर क्या होता है जीरो रहता है, फिर एक डेफिनेट रेजिस्टिविटी पे, एलॉय के लिए डेफिनेट रेजिस्टिविटी से टेम्परेचर का बढ़ना चालू होता है, जैसे जीरो वन टू थ्री फोर ऐसा बढ़ना चालू होता है टेम्परेचर। ठीक है, डेफिनेट टाइम तक की रेजिस्टिविटी बढ़ते रहती है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, जीरो रहता है, फिर जब एक पॉइंट पे रेजिस्टिविटी रुकती है और फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब अगली बात है इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी जो टेम्परेचर तो आपका स्ट्रेट जाएगा, और आपका जो ये है इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगातार कम होते जाते हैं, इसलिए ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतर जाएगा। ठीक है, ग्राफ के अच्छे से स्टडी करेंगे आप लोग सभी। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो आप जानते होंगे ओमिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ओमिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओबेज ओम्स लॉ, ओबेज ओम्स लॉ, ऐसा रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को ओबे करे उसको हम ओमिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, याद रखिएगा। और नॉन ओमिक क्या होता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे, नॉट ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे, जो ऐसा रहे वी इनवर्स पे प्रोपोर्शनल टू आई रहे या कुछ अलग टाइप में रहे। देखिए ये कर्व आपको ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये कर्व, ये ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, कुछ भी बन सकता है, है ना। देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी।
तो रेजिस्टेंस के लिए आपका फॉर्मूला आर इक्वल हो जाएगा आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी, और रेजिस्टिविटी के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी। तो ये है आपका कॉफिशियंट अल्फा जिसके बारे में बात हुई। और रेजिस्टेंस के रूप में देगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, रेजिस्टिविटी के रूप में देगा तो आप ये फॉर्मूला लगाना। रेजिस्टेंस में आर आपका फाइनल रेजिस्टेंस है, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस है, डेल टी तो आप जानती हो टी टू माइनस टी वन फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आपको पता चाहिए। तो अल्फा बराबर क्या होगा आपका, अल्फा की जो एस एन एट होगी आर माइनस आर नोट हो जाएगा, और ये आर नोट आ जाएगा नीचे डेल टी, तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस जाएगा तो रेजिस्टेंस ही आएगा, देखिए ओम आएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस भी आपका ओम ही रहेगा, और टेम्परेचर का केल्विन का कट जाएगा आपका हो जाएगा केल्विन इनवर्स, ठीक है ये आपकी एस एन एट हो जाएगी। और यहाँ पर भी सेम टू सेम हाल है, रो इक्वल्स रो नोट बन जाए रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डेल टी, देखिए रो माइनस रो नोट आपका रहेगा रहेगा, रो नोट आ जाएगा नीचे और डेल्टी आ जाएगा नीचे बराबर आपका अल्फा, तो यहाँ पर भी वही हाल है। रेस्टिविटी में से रेस्टिविटी जाएगा तो ओम इंटू मीटर ही रहेगा, रेस्टिविटी जाएगा इनिशियल रेस्टिविटी भी ओम इंटू मीटर, और टेम्परेचर का केल्विन, ओम मीटर से ओम मीटर कट गया केल्विन ऊपर जाएगा केल्विन इनवर्स, और डायमेंशनल फॉर्मा दोनों का सेम ही है आप जानते हैं, जब यूनिट सेम डायमेंशनल फॉर्मा भी सेम होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो के माइनस वन। ओके इसे ध्यान, अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर ध्यान दीजिएगा क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर, ये आप जानते हैं पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वन अपॉन टाइम को द रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं द रेट, तो ये हो जाएगा आपका द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर, किसी काम को करने के लिए जो रेट यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, आपको पता चाहिए। अभी जैसे कि इसकी एस्टीमेट की बात कर लेते हैं तो एस्टीमेट क्या होगी देख लीजिए, पावर इक्वल्स होता है वर्क अपॉन टाइम, आपको पता होगा पावर की वर्क का होता है जूल टाइम का सेकंड, जूल अपॉन सेकंड को हम कहते हैं वॉट, क्या कहते हैं जूल अपॉन सेकंड को हम वॉट कहते हैं। अगली इसकी जो डीएफ होगा वो भी देखेंगे, तो इसका जो डीएफ होगा वो क्या होगा आपका पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क का आप जानते हैं एम वन एल टू टी माइनस टू, और टाइम का होता है टी, टी से ऊपर जाएगा भी, तो एम वन एल टू टी माइनस टू और माइनस वन टी माइनस थ्री होगा आपका, ठीक है आप देखिएगा ध्यान से। पावर के अदर फॉर्म भी होते हैं, पावर का पहला फॉर्म होता है पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर का अदर फॉर्म होता है पी बराबर वी आई, पावर का और अदर फॉर्म जो होता है वो होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर, ये वी और आर के टर्म में है, ये वी और आई के टर्म में है, और ये आई और आर के टर्म में है। ये लोगों का कहना है कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है, और यहाँ पे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है, पर ये भी तो देखिए दिख अलग लग रहा है, पर यहाँ पे टर्म भी तो अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल भी है इसका स्क्वायर है, और नीचे करेंट है करेंट का स्क्वायर है। ले देखिए आप ओम्स लॉ से रख दीजिए, आई की आई स्क्वायर की जगह वी अपॉन आर रख दीजिए, आपका ये आ जाएगा वी का स्क्वायर आ जाएगा, और एक आर से कार कटेगा, देख लीजिएगा आप लोग ये आ जाएगा आपका, सभी तीनों फॉर्मूले एक दूसरे की इक्विवेलेंटली, ये चीज याद रखना। पावर की एक अदर यूनिट भी होती है एचपी हॉर्स पावर, एक एचपी मतलब होता है 746 वॉट, ये आपको बताया था एक बार क्लास में मैंने इसके बारे में। दूसरी चीज 1 किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट जो होता है वो होता है 1000 वॉट, और 1 पावर के अदर यूनिट है 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट मतलब 10 की और 6 वॉट, किलोवाट मेगावाट इनका यूज वो लोग करते हैं कौन पावर हाउस करते हैं, ठीक है। और एचपी का यूज हमारे घर कि पानी खींचने की मोटर में, वो ऐसे पानी खींच के खेत में क्यारियों में डालने में, ट्रकों को टायर को रोटेट करने में, पंखे को रोटेट करने में, गाड़ियों के व्हील को रोटेट करने में एचपी हॉर्स पावर का यूज किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा ना ऐसे कि इंजन इतने एचपी का उतने एचपी का है, बस वही चीज है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेल, तो सेल को देखते हैं क्या होता है सेल, मैं एक ही पूरी डेफिनेशन ही खत्म करूंगा ध्यान दीजिएगा, हालांकि आना जाना कुछ ही नहीं है। देखिए सेल, सेल क्या होता है, सेल टेम्पररी सोर्स ऑफ करंट होता है, क्या होता है टेम्पररी सोर्स ऑफ करंट होता है, ये आपको पाना चाहिए। ये पूरा देखिए सेल है आपका, सेल है आपका क्या है टेम्पररी सोर्स ऑफ करंट, करंट का टेम्पररी सोर्स होता है, पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन है ईएमएफ की, किसकी डेफिनेशन होगी ईएमएफ की, ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स। सेल जब रेस्ट में होता है ना, इन रेस्ट ऑफ सेल अ फोर्स अप्लाइज बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल, टर्मिनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ, इज कॉल्ड ईएमएफ। सेल जब रेस्ट में होता है तो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, ईएमएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, अपने सेल के अंदर एक रॉड देखे होंगे है ना, तो ये रॉड आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ लो वैल्यू है, लो रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विथ टर्मिनल्स ऑफ सेल, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगला होता है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का जो लगातार कंटिन्यूअसली ड्रॉप होता है उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। आपको बताना चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल बिटवीन बोथ टर्मिनल्स, पोटेंशियल बिटवीन बोथ टर्मिनल्स ऑफ सेल, सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच में पोटेंशियल का जो लगातार ड्रॉप होता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल। इसके कारण तो सेल डिस्चार्ज होता है आपका, है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको ये चीज पता होना चाहिए, सेल का ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है किससे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। इसके लिए फॉर्मूला भी है, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ठीक है, आपको बनना चाहिए, नोट वाली चीजें हैं सब, नोट में वन, नोट में नंबर टू, करेंट बाय सेल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। करेंट बाय सेल आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है, और इसी फॉर्मूले से आपका ये आया है। ठीक है, देखिएगा इसे, ठीक है, आपका सेल का हो गया। अब सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तो बहुत पहले से कट चुका है, तो इसके में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो नंबर वन का, नंबर थ्री सॉरी, करेंट बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू एन ई के अपॉन में आर प्लस एन आर, ये फॉर्मूला होता है। और पैरेलल करंट बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इक्वल्स टू एन ई, तो रहेगा रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा एन आर प्लस आर, आर अपॉन एन रहता है, ये भी रहता है इसका एक, और एक रूप इसका ये भी रहता है आई इक्वल्स टू ई के अपॉन में आर प्लस आर बाय एन, फिर एन का इधर भी इंटू होगा और एन का इधर भी इंटू होगा, है ना, ये भी एक रूप है इसका, और इसी रूप से एलसीएम लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किरचॉफ्स लॉ है। तो किरचॉफ के दो लॉ थे, आपका जो फर्स्ट लॉ है, देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ जंक्शन ऑब्लिक करेंट, इसको लॉ ऑफ जंक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ करेंट भी कहते हैं। ये डिपेंड से कंजर्वेशन, ये याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। क्या होता है किरचॉफ का फर्स्ट रूल? किरचॉफ का फर्स्ट रूल ये कहता है कि ये कोई जंक्शन है, इसपे बहुत सारे वायर के ज्वाइंट है, मतलब बहुत सारे वायर को आपस में ज्वाइंट किया है जंक्शन ने। ये वायर आई वन और आई थ्री सेम है, मतलब पहला वायर और थर्ड वायर का बिहेवियर सेम है। पहले वायर से आई वन करेंट अंदर आ रहा जंक्शन पे, तो तीसरे से आई थ्री करेंट आ रहा है। अब दूसरे वायर से चौथे से और पांचवे से करंट बाहर निकल रहा है, आई टू बाहर निकल रहा है, यहाँ पे आई फोर बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे आई फाइव बाहर निकल रहा है, आपका बाहर निकल रहा है। तो किरचॉफ ये कहता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल्स टू जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल्स टू जीरो। देखिए जो आएगा हम उसको प्लस लेंगे और जो जाएगा उसको माइनस लेंगे, तो आई वन आ रहा है प्लस, आई टू जा रहा है इसलिए क्या होगा माइनस, आई थ्री आ रहा है इसलिए प्लस, आई फोर जा रहा है इसलिए माइनस, और आई फाइव भी जा रहा है इसलिए क्या होगा माइनस, इक्वल्स टू जीरो। तो आई वन प्लस माइनस माइनस आई टू,
प्लस आई थ्री प्लस माइनस आई फोर प्लस माइनस आई फाइव बराबर कितना जीरो। तो आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव आपका रुकेगा यहीं पे, सॉरी आई वन प्लस आई थ्री आपका रुकेगा, माइनस आई टू इधर आके प्लस आई टू, माइनस आई फोर इधर आके प्लस आई फोर, और माइनस आई फाइव इधर आके प्लस आई फाइव हो जाएगा आपका। तो इससे समझ में आता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करेंट बराबर एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करेंट भी आपको बनना चाहिए, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट भी आपको बनना चाहिए। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, और याद रखिएगा कि इसको लॉ ऑफ जंक्शन या लॉ ऑफ करंट के नाम से जानते हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। अब किरचॉफ का हम दूसरा लॉ देख रहे हैं, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को देखिए। तो सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ पोटेंशियल या क्लोज लूप, लॉ ऑफ क्लोज लूप के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई फिगर नहीं, कुछ नहीं, बस उसमें ये आपको पता नहीं चाहिए किस पे बेस्ड है, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जी पे बेस्ड है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये हमको ये बताता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल बराबर जीरो, किसी जंक्शन के लिए एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल बराबर भी जीरो होता है, और अगर उसमें सेल लगा हो तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल बराबर एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। ये भी सही, कई बुकों में ये भी है, कई में ये भी है, तो आपको दोनों याद होने चाहिए। जब सेल नहीं देगा तो ये वाला काम, जब सेल देगा तो बी इक्वल्स टू ई, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ओम्स लॉ में प्रॉब्लम आनी चालू हुई। ओम्स लॉ में क्या प्रॉब्लम आनी चालू हुई, ओम्स लॉ छोटे मोटे रेजिस्टेंस नाप देता था क्योंकि इसमें वोल्टमीटर एमीटर की रेंज लिमिटेड रहती थी, है ना। ओम्स लॉ छोटे मोटे रेजिस्टेंस नाप देता था क्योंकि इसमें वोल्टमीटर और एमीटर छोटे छोटे रेंज के थे, ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने एक ब्रिज रेडी किया कि अगर बड़े रेजिस्टेंस नापने की कभी बारी आए तो क्या किया जाए। इसको देखते हुए व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने एक ब्रिज रेडी किया। वो ब्रिज दिखने में ऐसा था कि इसमें देखिए एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का था, इसमें चार साइडें थी, उन चारों साइडों पे उसने एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया। देखिए ध्यान से, उन चारों साइडों पे उसने एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया। पहले रेजिस्टेंस का नाम P था, दूसरे का Q, तीसरे का R और चौथे रेजिस्टेंस का नाम S था। इन तीन रेजिस्टेंसों में से एक खास बात थी कि P, Q, R आपके नोन रेजिस्टेंस थे। क्या थे? नोन रेजिस्टेंस। और S जो था आपका वो अननोन रेजिस्टेंस था। क्या था? अननोन रेजिस्टेंस था। P, Q, R नोन रेजिस्टेंस और S आपका क्या है? अननोन रेजिस्टेंस था। देखिएगा जैसे इसने इसको सर्किट से कनेक्ट किया, देखिएगा भाई इसे, ये देखिए इसके दो डायगोनल है, एक डायगोनल के बीच में उसने गैलेंटर लगा दिया और दूसरे डायगोनल के बीच में उसने बैटरियन की लगा दिया, बैटरी और ये की लगा दिया उसने, ओके ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, देखिए करंट पॉजिटिव से बहता ही, आपको बताया था मैंने, करंट के दो टुकड़े हो जाएंगे, ये आई वन हो जाएगा और यहाँ से आने वाला टुकड़ा आई टू हो जाएगा। आई वन वाला इधर पे आके आई जी हो जाएगा और इधर पे आके आई थ्री हो जाएगा और ये वाला और यहाँ पे पहुंच जाएगा I3, और यहाँ से देखिए I2 वाला यहाँ पे के दो टुकड़ों में बटेगा, IG और कितना I4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा और ये आपस में I करंट बनके वापस लौट जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल तो यही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ ब्रिज इन विच वी मेजर अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थ्री नोन रेजिस्टेंस। हम एक अननोन रेजिस्टेंस पता करते हैं बाय यूजिंग थ्री नोन रेजिस्टेंसेस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसमें बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन होगी P अपॉन Q बराबर कितना R अपॉन S। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होता है, ठीक है। प्रिंसिपल यही है कि इसमें अननोन रेजिस्टेंस को थ्री नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से पता करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला आपको बनना चाहिए। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज एक्चुअल में है क्या, जरा देखते चलिएगा। अब क्या हो गया, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना दिया, पर व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रॉब्लम थी, उसका ड्रॉबैक्स था कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और बहुत ज्यादा जगह घेरता था वो। तो उसको देखते हुए एक डिवाइस बनाई गई जिसका साइज बहुत छोटा हो और वो काम वही कर सके जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज का कर पा रहा था। तो इसको देखते हुए एक ब्रिज रेडी किया गया जिसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इसको मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक मीटर का ब्रिज होता था। कितना ब्रिज होता था? वन मीटर का, वन मीटर का एक ब्रिज होता था। इस ब्रिज पे आपकी वन मीटर की स्केल विथ वायर कनेक्टेड होता है। स्केल वन मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते देखिए 10, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर का एक ब्रिज विथ था जिसमें स्केल और वायर वन मीटर की करीबन थी। इसमें दोनों ओर पे हमने दो एक
स्ट्रिप लगी थी, मेटलिक स्ट्रिप लगी हुई थी, ये मेटलिक स्ट्रिप राइटेंगुलर स्ट्रिप थी, वो बीच की जो स्ट्रिप थी आपकी वो स्ट्रेट स्ट्रिप थी, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले वायर की स्टार्टिंग को ए नाम दिया, या फिर वायर के एंडिंग को बी नाम दिया, ए और बी वाले वायर की स्टार्टिंग और एंडिंग को हमने बैटरी और टी से कनेक्ट कर दिया। क्या हमने बैटरी से कनेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे डायगोनल को, ये देखिए ए बी सी डी, बी डी डायगोनल पे हमने गैलोटा लगा दी और बी ए सी डायगोनल पे हमने बैटरी की लगा दी, तो डायगोनल की जगह हमने बैटरी और की लगा दी यहाँ पे। और दूसरे डायगोनल पे देखिए आप लोग सभी, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया रेजिस्टेंस बॉक्स को, यहाँ पे हमने जोड़ा गैलोमीटर को, और गैलोमीटर जोड़ा था आपका जॉकी से, आपको बता दिया गया था किस टाइप का रहता है, प्रैक्टिकल में स्कूल में आपने देखे भी होंगे, और ये रहता था आपका अननोन रेजिस्टेंस एस। तो इसमें क्या होता था, जैसे इसमें चार रेजिस्टेंस होते थे पी क्यू आर एस, इसमें भी चार रेजिस्टेंस है, ये आपका आर रहता है, एस अननोन रेजिस्टेंस है, ए से लेकर जॉकी तक का हिस्सा, वायर के स्टार्टिंग से लेकर जॉकी तक का हिस्सा जो रहता है उसको पी कहते हैं, और टी आपका एल होता है, जॉकी से लेके वायर के बी वाला जो हिस्सा होता है, बी वायर के एंडिंग मतलब बी तक का जो हिस्सा होता है उसको क्यू कहते हैं, और क्यू मतलब होता है 100 मैन सेल। तो इसमें मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, मीटर ब्रिज इज मॉडरेट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इन दिस ब्रिज वी मेजर अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थ्री नोन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडरेट फॉर्म है उसी के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा ना, इसमें आप लोग अननोन रेजिस्टेंस पता करोगे बाय यूजिंग थ्री नोन रेजिस्टेंस, ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, है ना। इसमें भी देख लीजिए P अपॉन Q बराबर क्या होता है आपका R अपॉन S होता है, तो P की जगह आपका P बराबर L हो जाएगा, Q की जगह आपका हो जाएगा 100 माइनस L, R की जगह R और S की जगह S, रख दीजिए भाई सबको उठा के, तो P की जगह L, Q की जगह 100 माइनस L, R की जगह R और S की जगह S, तो L S यही पे रहेगा, 100 माइनस L आ जाएगा R के पास और ये आ जाएगा नीचे, ये इसका हो गया मीटर ब्रिज का फॉर्मूला। ओके आपको ये चीज करना, हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। 2.5 घंटे हो गए वीडियो लेक्चर शूट करते हुए, देखिए तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर मॉडरेट फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है मॉडरेट फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में जहाँ लिमिटेशन थी कि आप एक ही मीटर तक का काम कर सकते हो, पोटेंशियोमीटर ने आपकी वो समस्या दूर कर दिया, पोटेंशियोमीटर मॉडरेट फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज हो गया। इसमें क्या होता है देखिएगा जरा सभी ध्यान से, ये 1 मीटर का वायर 2 मीटर का हुआ टोटल, या टोटल 3 मीटर का हुआ, या टोटल 4 मीटर का हुआ, मतलब जितना चाहे उतना वायर लगाते जाइए, पोटेंशियोमीटर आपको बड़े से बड़ा रेशियस नाप के देगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है मॉडरेट फॉर्म ऑफ क्या होता है मीटर ब्रिज होता है, याद रखिए। इसकी रीडिंग ऐसी पड़ जाती है 0 से लेके 100, फिर 100 के जस्ट नीचे 101 से लेके कितना 200, फिर 200 का 201 से लेके कितना 300, फिर 301 से लेके कितना 400, ये चीज आपको बनना चाहिए। ओके तो अब आगे बढ़ूंगा मैं, देखते चलेंगे आप सभी। तो पोटेंशियोमीटर इज मॉडरेट फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज, ये एक आइडियल वोल्टमीटर भी है। क्या है आइडियल वोल्टमीटर, क्या है आइडियल वोल्टमीटर जरा ध्यान दीजिएगा, इसका गिव रीजन समझिए कि पोटेंशियोमीटर इज ग्रेटर देन वोल्टमीटर, या राइट डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर को समझिए। ये है पोटेंशियोमीटर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ पे लिखा मैंने पोटेंशियोमीटर और यहाँ पे लिखा मैंने वोल्टमीटर, ध्यान दीजिए। तो वोल्टमीटर केवल ओनली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, क्या मेजर करता है ओनली वोल्टमीटर ओनली डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियोमीटर क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है, सेल का ईएमएफ ऑफ सेल भी पता करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी पता करता है, सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करके भी दिखाता है, ठीक है, और लार्ज रेजिस्टेंस को भी नापता है, क्या कहता है लार्ज रेजिस्टेंस को भी नापता है। इसके इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इसको आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर, आपको बनना चाहिए। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखिए भाई सब लोग, प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल देखिए, ओम का नियम वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आर आई, आपको क्लियर है, बट आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपोने, आर इक्वल्स टू क्या होता है रो एल अपोने, तो वी बराबर आर की जगह हो जाएगा रो एल अपोने और ये हो जाएगा आपका आई, तो वी इक्वल्स टू आई रो। तो आपको पता है कि करेंट कॉन्स्टेंटली बहेगा, रेजिस्टिविटी अब भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, हर चीज के अलग अलग होती है और कॉन्स्टेंट होती है,
एरिया भी कांस्टेंट होगा वायर का, ये सब आपका कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा के, जिसको कहेंगे पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट। क्या कहेंगे? पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट। वी बराबर हो जाएगा के इन टू एल, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये आपको बनना चाहिए। ठीक है भाई, तो के क्या है? कांस्टेंट, जिसको पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट कहते हैं। इसके एसएनएल डायमेंशनल फॉर्मूला ये बता दे रहा हूं मैं, तो के बराबर हो जाएगा वी अपॉन एल, वोल्ट लेंथ का मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये किसके बराबर है? आज ही पढ़े हम लोग ने ये पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट के बराबर भी है ये, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो अपने चैप्टर टू में पढ़े उसके बराबर भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको वोल्ट मीटर इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आपको पता है ईएमएफ के एसनोट भी वोल्ट होती है और पोटेंशियल की भी एसनोट वोल्ट होती है, तो पोटेंशियल को ईएमएफ से कन्वर्ट कर सकते हैं हम अगर चाहे तो। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आप देखिएगा। चलिए बिल्कुल, अब हम एंडिंग इसका जो ग्राफ खींच जाएगा पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट का, ध्यान दीजिए वीएलबी वही है और ईएलबी वही है, इनके पीछे भी क्या आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, के ही आएगा। ओके, याद रख। चलिए अब हम पोटेंशियोमीटर के से दो एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। ये पोटेंशियोमीटर का आपका वायर है, वायर के स्टार्टिंग और एंडिंग है ये ए, और क्या है बी, ए ए और बी के बीच में हम जोड़ रहे हैं बैटरी को, यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम की को, यहाँ पे नीचे हम जोड़ेंगे रिमोस्टेट को। ओके, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया सेल को, प्लस माइनस यार रहेगा आपका, और यहाँ पे जुड़ेगा आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा आपका जॉकी से। कई लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, कई कई बुकों में आपको यहाँ पे की लगी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लगाना तो लगाइए, नहीं लगाना तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, सर्किट वैसे भी हमारा सिक्योर है। तो देखिए प्रिंसिपल सेम रहेगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दिया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वो सेम ही रहेगा। अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का वो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा, आपको पता है करंट बाय सेल आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है, तो ई बन जाए ई, आई का आपका आर प्लस आर में हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा आपका आई आर प्लस वी का आर में, तो वी आर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें लंबा पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। चलिए ओम्स लॉ लगा दीजिए, ये शुरू में चल जाएगा, वो शुरू में ही ओम्स लॉ लगा दीजिए आप। चलिए तो आई कॉस करेंट बाय सेल का फॉर्मूला आई कॉस वी अपन आर प्लस आर होता है, चलिए इसमें लगाइए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वी आई कॉस वी अपन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपन आर प्लस आर, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका वी आर प्लस वी स्मॉल आर, और ये हो जाएगा आपका ई आर, ये हो जाएगा आपका ई आर प्लस वी आर, इधर आके माइनस वी आर, और यहाँ पे हो जाएगा वी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ई आर माइनस वी आर के अपॉन में कितना वी, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए कैपिटल आर बाहर आ जाएगा आपका, कैपिटल आर आपका बाहर आ जाएगा, ई के अपॉन में वी माइनस वी के अपॉन में वी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस वन इन टू आर, ये भी सही है आपका, देखिएगा ध्यान से। या आपको एक चीज पता होगा कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो R बराबर E की जगह ले लेना के एल वन और V की जगह ले लेना के एल टू, दो लेंथ है ना, क्योंकि कैसे कट जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला भी चल जाएगा R इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू माइनस वन इन टू आर। ठीक है, देखें और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो पोटेंशियोमीटर से कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल है। EMF of two cells. Okay, तो देखिए इसका फिगर क्या रहेगा, इसका फिगर तो ऐसे ही बनेगा सेम, ओके देखिए, ये सेम सर्किट है प्राइमरी वाला, बैटरी की रिहोस्टेड आपको जो लगाना लगा दीजिए, कई लोग तो वोल्टमीटर एमीटर भी लगाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करने के लिए कि ज़्यादा तो ओवरलोड तो ना हो जाए। ये लगेगा आपका फर्स्ट सेल यहाँ पे, और यहाँ पे लगता है सेकंड सेल,
प्लस माइनस ई वन प्लस माइनस ई टू, क्या हो जाएगा आर वन, ये क्या हो जाएगा आर टू, वन टू और ये क्या होगा आपका थ्री, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा आपका, बी डायरेक्शन 12 और नंबर 2 बी डायरेक्शन 12 प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। अब इसका है फॉर्मूले की बात, तो फॉर्मूला देखिए ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा e डायरेक्शन 12 होता तो e बराबर क्या होता आपका kl होता है, फॉर फर्स्ट सेल पहले सेल के लिए e1 बराबर होगा kl1 और दूसरे सेल के लिए e2 बराबर होगा kl2, कर दीजिए डिवाइड e1 upon e2 इक्वल्स हो जाएगा kl1 upon kl2, कैसे के कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा e1 upon e2 बराबर l1 upon l2, ओके। ये चीज आपको बनना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपका ये खत्म होता है, पर एक छोटा सा टॉपिक और बता दे रहा हूँ मैं आपको, थ्योरेटिकल टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है और इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में होता क्या है और इसे कैसे इंक्रीज किया जाए। देखिए रिविजन सीरीज में आपका यूनिट वन और यूनिट टू खत्म हो कर दिया गया पूरा, यूनिट वन के दोनों चैप्टर मैंने आपको करवाया था और यूनिट टू का मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यूनिट थ्री बचा और फोर वो भी आपको करवा दिया जाएगा, अच्छे ध्यान दीजिए, अब पिच करवा दिया जाएगा कुछ ही दो तीन दिन के अंदर ही, देखिएगा अच्छे ध्यान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंट सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, इसको कैसे इंक्रीज किया जाए। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब होता है जब उस पर मिनिमम करेंट या मिनिमम वोल्टेज अप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, मिनिमम करंट या मिनिमम वोल्टेज अप्लाई किया जाए और हमको गैल्वेनोमीटर में क्या मिल जाए, हमको गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए हमें उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो उसी को कहते हैं हम करंट या वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब बात आ रही है इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वायर शुड बी थिनर, वायर पतला होना चाहिए, एलॉय का होना चाहिए, एलॉय वायर यूज करो, वायर को यूज करो, ठीक। नंबर थ्री जो है वायर शुड बी टाइट, वायर शुड बी रस्टिक फ्री, जंग नहीं लगाना चाहिए, वायर शुड बी रस्टिक फ्री, इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा, इन सब चीज का ख्याल रखोगे तो उसकी सेंसिटिविटी आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका खत्म होता है, यूनिट वन और टू।